जाने अनजाने नीतू कपूर और कैटरीना कैफ की मां सुजैन टर्कोट के बीच एक पोस्ट वॉर छुट गई है। हाल ही में नीतू ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसे यूजर्स ने उनके बेटे रणवीर की एक्स गर्लफ्रेंड रही कैटरीना दीपिका पर सीधा निशाना बताया था। लेकिन ये बात यहाँ ही खत्म नहीं हुई है। अब सुजैन ने भी इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट शेयर कर नीतू को जवाब दे डाला है। उनके जवाब की टाइमिंग की हर कोई तारीफ कर रहा है। भले ही कैटरीना और रणवीर की दो अलग अलग पर्सनालिटीज से शादी हो चुकी है, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं। उनके ब्रेकअप को भी काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब भी उनके अफेयर का जिक्र हो ही जाता है। हाल ही में एक्टर की मां नीतू ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया कि हंगामा ही हो गया। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर करते हुए नीतू ने लिखा, क्योंकि उसने आपको 7 साल तक डेट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे शादी करे। मेरे अंकल ने 6 साल तक मेडिसिन की पढ़ाई की, लेकिन अब भी वो डीजे हैं। नीतू का ये पोस्ट यूजर्स के गले नहीं उतरा। सभी जानते हैं कि रणवीर और कैटरीना ने एक दूसरे को 7 साल तक डेट किया था। इसके बाद दोनों अलग हो गए थे। हर किसी ने नीतू पर सवाल उठाए कि वो अचानक उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को भला बुरा क्यों कह रही है। एक्ट्रेस को हमेशा से ही कैटरीना से प्रॉब्लम रही है। नीतू के पोस्ट पर खूब विवाद हुआ। वहीं अब इस विवाद में कैटरीना की माँ सुजैन की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने भी आज एक पोस्ट शेयर किया जहाँ औरतों की रिस्पेक्ट को लेकर बात की। सुजैन ने पोस्ट किया, मुझे ऐसे संस्कार दिए गए हैं जहां आप सफाई कर्मचारी को भी वैसे ही इज्जत दो जैसा कि आप किसी कंपनी के सीईओ को देते हो। देखते ही देखते सुजैन का ये पोस्ट वायरल हो गया। हर कोई कैटरीना की मां की सोच की तारीफ कर रहा है। इस पोस्ट वॉर ने सभी का ध्यान खींच लिया है। यूजर्स ने कहा, हो सकता है कि ये जनरल सा पोस्ट हो, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत सही है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, किसी के ऑब्सेशन को जवाब देना कभी कभी जरूरी हो जाता है।